हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, तो आज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आए तो कैसे चेक करें। तो सिंपली आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सीबीएसई लिख कर सर्च करना है। सीबीएसई लिख के सर्च करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेंगे, तो इसमें परिणाम रिजल्ट जो है उस पर टैप करेंगे। जैसे ही हम उस पर टैप करेंगे, उसके बाद से हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। ऐसा खुलने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 2022 का रिजल्ट, अभी 2023 का डिक्लेयर नहीं हुआ तो 2022 का दिखा रहा है, तो ऐसे कुछ करके दिखाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर ऐसे करके चेक कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है। तो मान लीजिए हमको क्लास 10th का रिजल्ट चेक करना है 2022 का, इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना होता है, उसके बाद से स्कूल नंबर फिल करना होता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है, फिर एडमिट कार्ड आईडी फिल करना होता है जो कि एडमिट कार्ड पर दिया गया रहता है। और ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।